हेलो एंड वेलकम गाइस टू अपग्रेड। आज की वीडियो में एक नई जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जॉब रिक्रूटमेंट आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर। यहाँ पर टोटल 34 पोस्ट निकाली गई है, सारी परमानेंट पोस्ट है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जॉब रिक्रूटमेंट निकाली गई है डेटेड 22 दिसंबर 2023। जबलपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सूटेबल इंडियन नेशनल फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट। सबसे पहला पोस्ट है यहाँ रजिस्ट्रार का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर निकाला गया है। ये ग्रुप ए की पोस्ट है, टोटल ए की पोस्ट निकाली गई है अनरिजर्व कैटेगरी में। पे लेवल आपका 14 का रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन का, अगेन यहाँ टोटल ए की पोस्ट निकाली गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, अगेन EWS की एक ही पोस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। यहाँ पर इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने BE/BTECH कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। अगेन ये ग्रुप ए की पोस्ट है, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर डिज़ाइन की बात करें तो अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। टेक्निकल ऑफिसर ECE की बात करें तो यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर मेल स्टाफ नर्स की पोस्ट निकाली गई है, ग्रुप बी की पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 13 पोस्ट निकाली गई है। और लास्टली यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली गई है, टोटल इसमें भी 13 पोस्ट निकाली गई है। जूनियर टेक्नीशियन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिटेल में देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिक्वायर्ड है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर एटलीस्ट आपका 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपका 8 साल का सर्विस होना चाहिए एज अ पे लेवल ऑफ 12, या फिर आपका 15 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपने 8 साल एज अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार वर्क कर रखा हो। लाइब्रेरियन की बात करें तो मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है आपका लाइब्रेरी साइंस में, साथ ही साथ आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज अ डेप्यूटी लाइब्रेरियन। साथ ही साथ यहाँ पर अदर डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी बात करें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तो यहाँ पर PG डिग्री रिक्वायर्ड है, डिजायरेबल में यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना मस्ट है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की बात करें तो आपका अपने MA/MTECH कर रखा है कंप्यूटर साइंस या फिर IT इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर ECE की बात करें तो BE/BTECH रिक्वायर्ड है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपका 8 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है, या फिर आपने MA/MTECH किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो MBBS डिग्री रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। या मेल स्टाफ नर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है नर्सिंग में। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है अगर आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या फिर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, लेकिन आपका अगर बैचलर डिग्री आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है लास्टली जूनियर टेक्नीशियन का, यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है अगर आपने कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ITI कर रखा है इन गिवन ट्रेड में तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो इस गिवन लिंक पर आप जा करके आप ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा करके लॉग इन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस पोस्ट पर प्रिंट आउट निकलवा करके द डेप्यूटी रजिस्ट्रार IIT DM जबलपुर को आपको पोस्ट करना है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फोटोकॉपी लगा करके 5th February 2024 तक इस एड्रेस पर सेंड कर दीजिएगा हार्ड कॉपी। नोटिफिकेशन में अदर डिटेल्स दी है तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही अपडेट था, ऐसी जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड